हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुझी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज आपका चैप्टर नंबर 5 चिकित्सीय उपागम से और आगे की पढ़ाई हो रही है, थेरापेटिक अप्रोचेस। मनोचिकित्सा के लक्ष्य क्या हैं आज हम लोग ये देखेंगे, गोल्स ऑफ द साइकोथेरापी। इसमें आते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, क्लाइंट को अनुकूली व्यवहार के लिए प्रेरित करना। अनुकूली व्यवहार क्या है? अडैप्टिव बिहेवियर्स। उसको अपने वातावरण के साथ एक अनुकूलन करके, एक एडजस्टमेंट करके उस व्यवहार को प्रेरित करना थेरेपी का काम है। नंबर 2 क्या है? क्लाइंट में मौजूद सांवेगिक दबाव एवं द्वंद को कम करना। एक मानसिक रोगी जो होता है वो सांवेगिक रूप से दबाव और द्वंद की स्थिति में होता है, इसलिए उसके दबाव और द्वंद को कम करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, क्लाइंट में सकारात्मक वर्धन या पॉजिटिव ग्रोथ के लिए उसके अंतः शक्ति को उत्पन्न करना। यहाँ क्या है कि उसके क्लाइंट के अंदर, रोगी के अंदर जो नकारात्मक सोच आ जाती है, उसके चलते जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है, उसमें उसके अंतः शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर उसके सकारात्मक सोच में इम्प्रूवमेंट लाना। नंबर 4, क्लाइंट में आत्म चेतना उत्पन्न करना। चूँकि मानसिक रोगी सामान्य से हटकर होता है, उसके अंदर आत्म चेतना की कमी आ जाती है, नहीं होता है आत्मचेतना, इसलिए उनके अंदर आत्मचेतना को उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है ताकि वह अपने जीवन को जी सके। 6, क्लाइंट को उसकी ज़िंदगी की अभिरुचियों से पूरी तरह अवगत कराना। यहाँ क्या है, साइकोथेरेपी एक और काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ज़िंदगी से अभिरुचि कम हो जाती है, उसको वह कुंठित होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, इसलिए एक मानसिक रोगी के लिए आवश्यक है कि उसको ज़िंदगी के वैल्यूज़ को बताया जाए कि उसके ज़िंदगी का क्या वैल्यूज़ है, क्या मूल्य है। अगला, क्लाइंट में निर्णय लेने की क्षमता को उत्पन्न बनाना। निर्णय लेने की क्षमता को भी और अधिक उन्नत बनाने की ज़रूरत है। उसके चिंतन पैटर्न में परिवर्तन लाना, चिंतन को, सोच को बदलना, बुरी आदतों को हटाना, क्लाइंट की बुरी आदतों में परिवर्तन लाना, और लास्ट अपने सामाजिक वातावरण के साथ अधिक सृजनात्मक तरीके से या सुचारू ढंग से संबंध स्थापित करने में मदद करना। All psychotherapies aim at a few or all of the following goals: lessening emotional pressure, unfolding the potential for positive growth, modifying habits, changing thinking patterns, increasing self-awareness, facilitating decision making, becoming aware of one's one's choice in life, relating to one's social environment in a more creative and self-aware manner. To change the screen पे आपके है, to change the maladaptive behavior of client, to develop the interpersonal relationship, to reduce inner conflict and personal tension, to remove factors that maintain abnormalities, to help to make adjustment with realities, develop of self-identity and self-insight, to facilitate the expressions of emotion, modifying the cognitive structure, facilitating decision making. अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, मनोचिकित्सक संबंध या थेरापेटिक रिलेशनशिप। मनोचिकित्सा या मनश्चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू
चिकित्सक तथा क्लाइंट के बीच विकसित विशेष संबंध से होता है। क्या यहाँ पे कि मनोचिकित्सा जो एक डॉक्टर होता है और क्लाइंट जो एक रोगी होता है, दोनों के बीच में एक विशेष संबंध का स्थापित होना, जिसमें चिकित्सक तथा रोगी दोनों ही यह जानते हैं कि वे लोग यहाँ क्यों एक साथ आए हैं तथा उनकी अंतःक्रियाओं का लक्ष्य क्या है। चिकित्सक और रोगी दोनों को ये चीज़ मालूम होता है कि हम लोग एक जगह पे एक साथ क्यों जमा हुए हैं। चिकित्सक को तो मालूम होगा ही कि वह एक रोगी को देखने के लिए आया है, लेकिन रोगी को भी ये पता होता है कि वह एक अपने मनोचिकित्सक के साथ या एक काउंसलर के साथ इसलिए जमा हुआ है ताकि वह अपने अंतःक्रियाओं के द्वारा अपनी बातों को रख सके, मनोचिकित्सक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, रोगी अपने अंदर की बातों को बता सके। थेरापेटिक रिलेशनशिप और अलायंस इज द रिलेशन बिटवीन द थेरापिस्ट एंड द क्लाइंट इन विच द क्लाइंट हैज़ ट्रस्ट इन द थेरापिस्ट एंड द थेरापिस्ट हैज़ एम्पैथी ऑफ द क्लाइंट। इट्स रिलेशन इज कॉल्ड थेरापेटिक रिलेशनशिप। और द थेरापेटिक रिलेशनशिप इज अ ट्रस्टिंग कनेक्शन एंड रैपर्ट एस्टैब्लिश्ड बिटवीन थेरापिस्ट एंड क्लाइंट थ्रू एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। आप स्क्रीन से आप लोग देख करके नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं मनोचिकित्सा के प्रकार की तरफ, टाइप्स ऑफ मनोचिकित्सा, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं या होते हैं। चूँकि इसका ट्रीटमेंट एक काउंसलिंग के द्वारा होता है, मानसिक रोग को हम लोग काउंसलिंग के द्वारा करते हैं और हर मानसिक रोग का उद्देश्य एक ही होता है, हर मनोचिकित्सा का एक ही उद्देश्य होता है, इसलिए ये बहुत तरह के प्रकारों में बांटा गया है मनोचिकित्सा को। लेकिन जो आपके सिलेबस में जो खास होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं मनोचिकित्सा के प्रकार या टाइप्स ऑफ साइकोथेरापी। मनोचिकित्सा के विभिन्न प्रकार हैं, इनमें सभी का उद्देश्य एक ही है, व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक दुख को, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम करके उनमें प्रभावी तथा अनुकूलित व्यवहार को उत्पन्न करना। यहाँ क्या है, जितना भी प्रकार बताया गया है मनोचिकित्सा का, सभी का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दुख को कम करने के लिए, उसके मनोवैज्ञानिक दुखों को कम करने के प्रभावों पर ध्यान दिया जाए और उनको एक अनुकूलित व्यवहार उनके अंदर उत्पन्न किया जाए, जो निम्नलिखित तरह के हैं। अगर वैसे देखा जाए तो मनोचिकित्सा के बहुत अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे तो बहुत सारा उसका प्रकार मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस में 4-5 मुख्य प्रकार हैं। आज मैं केवल प्रकार का नाम बताऊंगी, अगले क्लास में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। नंबर 1 है मनोगत्यात्मक या मनोगतिक चिकित्सा, साइकोडायनेमिक थेरेपी। नंबर 2 व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी। नंबर 3 मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा। मानवतावादी देखकर आप डैश देंगी, उसके बाद लिखेंगी अस्तित्ववादी चिकित्सा, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। यह जो तीनों थेरेपी है, ये जो तीनों चिकित्सा है, यह सीरियली आया हुआ कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ है। आए समझ में, सबसे पहले आपको आया है मनोगत्यात्मक चिकित्सा की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर आपके पास आया व्यवहार चिकित्सा बिहेवियरल थेरेपी, उसके बाद आपके पास आया ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी
और फिर आपके आगे है कॉग्निटिव थेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी, जिस पे चर्चा अगले क्लास में डिटेल से की जाएगी, और सभी को एक एक क्लास में एक एक थेरेपी बताया जाएगा, ओके, कि ये किस तरह से इसका डिजीज़ क्या है और क्या है। थैंक यू।